के नीमराणा में पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। प्रशासन हालांकि मौके पर पहुंच चुका है। मांडन के एक गांव में कमला देवी कॉलेज का मामला सामने आया। परिजनों ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। कहा जा रहा है कि अंदर चीटिंग के जरिए परीक्षा दी जा रही थी। पेपर करीब 10:30 बजे सेंटर पर पहुंचने को लेकर सवाल उठे हैं। हरियाणा सीमा से लगता है मांडन गांव और यहां पर ऐसी अनैतिक गतिविधि देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुगल किशोर जुड़े हैं। जुगल बताइए क्या ताजा जानकारी। कमरुद्दीन मैं बताना चाहूंगा, यह जो मामला था अभी तक जो हमारे पास पहली रिपोर्ट आ रही थी कि पेपर लेट पहुंचा, करीब 10:30 बजे सेंटर पे पहुंचा था। यह तो एक पहली गड़बड़ी सामने आई थी, तभी से यहाँ जो परिजन बाहर खड़े थे उन्हें अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना है। उसके बाद लगातार जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आती रही, अब जो अंतिम रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। वहां पर लोग पेपर को लेकर के बाहर निकले हुए हैं और मोबाइल नेटवर्क भी वहां चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यह गांव जो है हरियाणा सीमा से लगता हुआ है, नेटवर्क जो बंद थे अपने राजस्थान सीमा के बंद थे, लेकिन हरियाणा की वजह से वहां नेटवर्क भी चल रहे थे और लोगों के मोबाइल भी वहां प्रॉपर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथों में पेपर देखा गया है और परिजनों का आक्रोश यह भी कि अगर चीटिंग चल रही थी और इस तरह की अनैतिक गतिविधियां पेपर को लेकर के आरोप लगे हैं। जुगल जानना चाहूंगा ऐसा कोई मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ क्या? नहीं अभी, क्योंकि इसमें आरोप जो लग रहे हैं कॉलेज प्रबंधन पर ही लग रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। परिजनों का कहना है कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन ने मिली भगत से ये सारा खेल खेला है और अंदर चीटिंग के आरोप लग रहे हैं। और जिस तरीके से यह आरोप है कि पेपर लेट होने की वजह से भी ये गड़बड़ हुई और कई कारण इसमें अभी थोड़ी देर में, क्योंकि प्रशासन इसमें पूरी तरह से चौकन्ना हो चुका है और इसमें पूरी तहकीकात की जा रही है, कुछ ही देर में सारी स्थिति स्पष्ट होगी। अगर किसी की मिली भगत है वो भी सामने आएगी और पेपर लीक कब हुआ, कितने बजे हुआ, अभी थोड़ी देर में सारी चीजें स्पष्ट होने वाली है। जुगल लापरवाही कहां देखी जा रही है, किस स्तर पर लापरवाही हुई होगी? देखिए इसमें 2-3 चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यह हरियाणा सीमा से लगता हुआ है, बहुत इंटीरियर में यह कॉलेज है। कमला देवी नाम का यह कॉलेज है जो मांडन गांव के ढिकपुरी गांव में है और जो बहुत इंटीरियर में जाकर है, तो ऐसे में संभावना कम रह जाती है कि कोई रोक टोक होगी। तो हो सकता है कि कॉलेज प्रशासन की इसमें कोई मनमानी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रशासन लगातार कार्रवाई करे। शुक्रिया आपका जुगल जानकारी देने के लिए। लगातार कार्रवाइयां चल रही है।